गीता कॉलोनी के सफेदा जुग्गी और नर्सरी जुग्गी में रहने वाली जनता पानी की किल्लत से बेहद परेशान है। गीता कॉलोनी के नर्सरी और सफेदा जुग्गी में सोमवार की सुबह 8 बजे हमने जाकर जायजा लिया, जहां पर पानी की किल्लत इतनी थी कि मानो जुग्गी बस्ती में पानी की पाइपलाइन भी नहीं है। जनता का कहना है कि हमारे पास एक टैंकर आता है, जिससे कि भीड़ काफ़ी लंबी लग जाती है। कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंस भी नहीं हो पाता। वहीं क्षेत्रीय जनता का कहना है कि यहाँ से कुछ दूरी पर 9 ब्लॉक तक पानी की पाइपलाइन है, मगर हमारी झुग्गी बस्तियों में अभी तक पानी की पाइपलाइन नहीं डाली है, जिससे कि काफ़ी परेशानियों का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कमी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक टैंकर आती है हमारी बस्ती में, यहाँ की 10,000 की आबादी में लोग रहते हैं और कोरोना काल चल रहा है, और एक गाड़ी आने के वजह से भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि लोगों को पानी बहुत ज़रूरी है, पानी के बगैर लोग नहीं रह सकता है, तो उसमें सबके पानी पूरा नहीं पड़ पाता है, तो सबको पानी पूरा नहीं मिल पाता है, इसलिए लोग भीड़ जमा कर देते हैं। जबकि हमारे यहाँ से 100 मीटर दूर ये आपका क्या 9 ब्लॉक में पाइपलाइन है, आज 6 साल हो गया है, 6 साल में दिल्ली सरकार हमारी बस्ती तक पाइपलाइन नहीं पहुंचा पाई, ना पानी पहुंचा पाई। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के समय के बाद यहाँ लोगों को बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो गया पानी का। उनके समय में काफ़ी पानी 2 टाइम 3 टाइम आती थी, गर्मी का समय चल रहा और एक ही टैंकर एक ही समय में आती है। देवी है और ये पूर्वी दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली में भी पानी कमी देखी गई है, पूरी जगह कमी ही कमी है। जहाँ मान लो ये सेवा बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी, यहाँ तो और भी ज़्यादा कमी है, क्योंकि यहाँ सरकार पूरा नहीं कर पाती, जबकि हम लोग सरकार पे ही आश्रित होते हैं, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है।